9 बजे और मैं बना रही हूँ आज लंच के लिए मटर पनीर, बिकॉज अभी लंच बना दूँगी और इनको फिर लंच लेने आ जाऊँगी मैं। पनीर भी मैंने कट कर लिया है और ये मटर एंड तड़का भी बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें अब मैं ऐड करूँगी मटर जो कि मैंने वॉश कर लिए थे। अब मटर को मैं 10-15 मिनट के लिए पकने दूँगी और बाद में ऐड करूँगी इसमें पनीर। और ये जो पनीर है वो ये ग्रेवी वाला बनाऊँगी मैं, ताकि मैं इसको राइस के साथ भी खा सकूँ। अब इसमें हम लगा देंगे थोड़ी देर के लिए ढक्कन। यस, मटर पनीर इज रेडी। Everyone, this is me Pratima Chauhan and welcome to my channel. Hope you all are doing great. I'm also doing well. So, सुबह के बज रहे 10:20 और मैं रेडी हो गई हूँ। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है और फिर चलते हैं अब कैफे। बहुत ठंड है। हेलो एवरीवन, सो सुबह मैंने व्लॉग बनाया था थोड़ा सा, उसके बाद मैं भूल गई थी व्लॉग करना क्योंकि आजकल मैं रेगुलर बेस पे व्लॉग नहीं बना रही हूँ। सो रात के बजने वाले हैं 9:45 एंड आजकल मैं अकेली हूँ कैफे में। अकेले मतलब मैं और गोपी भैया गुन्नू जा रखे अपने घर, अपने विलेज। सो अगर ठंड की बात करूँ तो यू कैन सी मैं फुली पैक्ड हूँ और बहुत ज़्यादा ठंड है, ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा ठंड है। एंड तो काम अच्छे से चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है एंड अभी तक थे कस्टमर। अब 9-10 बजे के बाद तो कोई आता ही नहीं है क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है तो बहुत कम लोग आते हैं। आज सैटरडे था तो आज इतना था फिर भी क्राउड एंड सो यस, मैं तो फुली पैक्ड हूँ। और ठंड सिर्फ लगती थी तो कानों में भी मैंने कैप पहन रखी है जो बिल्कुल गर्म है। सो अब थोड़ी देर में हम आजकल थोड़ा जल्दी बंद कर लेते हैं। कल तो आई थिंक 11:15 मैंने बंद करा था एंड आज लेट्स सी कितने टाइम में बंद करते हैं। और अभी गोपी भैया बना रहे हैं रोटी। गोपी भैया क्या कर रहे हो? सब्जी गर्म कर रहे हो? डिनर करने की तैयारी? आवाज क्यों, ठंड कितनी है? ठंड नहीं लग रही आपको? नहीं लग रही? अच्छा, वो हीटर कौन सा देखता 5 मिनट के बाद? अच्छा जी, ठीक है। तो हम पहले तो यहाँ पे अंगीठी टाइप रखते थे बट आजकल नहीं जला रहे, बिकॉज अगर आप अंगीठी सेकते रहते ना तो उसके बाद आपको मन नहीं करता काम करने के लिए। इसलिए मैं फुली पैक होके आती हूँ सो दैट की ज़रूरत ना पड़े आग वगैरह सेकने की। एंड मार्केट इस तरह से है, थोड़े बहुत लोग हैं एंड आज ना हल्की सी धूप आई थी यहाँ की अगर बात करूँ, आई थिंक 15-20 दिन बाद। अदरवाइज यहाँ धूप का नामो निशान भी नहीं होता है। पता नहीं क्यों कहते हैं कि गांव में ज़्यादा ठंड होती है। अब मैंने इस बार ही रियलाइज़ करा कि गांव में नहीं ठंड होती है, चंडीगढ़ की जो ठंड है ना। और ये ट्री कितना प्यारा लग रहा है। ये सर देखो, ये सर हेलो सो हेलो, कैसे हैं आप? कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ जा रहा हूँ ईडन गार्डन में। कौन से गार्डन में? ईडन गार्डन। अच्छा, स्टेडियम में मैच देखने जा रहा हूँ। और मैडम आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। मैं आपका समीर खान आपके लिए गया पाकिस्तान से सीधा लाइव क्रिकेट शो। वीडियो वायरल ना कर दो, मैं क्या भी पाकिस्तान दो है ना। आपकी सारी सहेलियां देख लेगी सर। आपकी सारी सहेलियां देख लेगी? ब्लॉग बना रही हूँ मैं। नहीं है, कितनी है? मतलब हर शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਤਾਓ, ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਬਤਾਓ। ਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਰਸ ਮੈਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਕੋ ਦਿਆ ਥਾ ਨਾ। ਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਨਾਲ ਦੇ। ਯੈਸ ਯੈਸ ਯੈਸ, ਪੂਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਬਾਏ। देखा, ये वाले सर बहुत कूल है।
काफी टाइम के बाद व्लॉग बना रही हूँ मैं। सो 10:30 हो गए हैं, किचन मैंने बिल्कुल साफ, सॉरी किचन भी मैंने साफ करी है और बर्तन बिल्कुल मैंने सारे साफ करे हैं, कपड़े वॉश करके बाहर तो सूखेंगे नहीं, और डस्टबिन भी खाली कर दिया है एंड अब हम जाएंगे। चले भैया, ओ हेलो तो बोलो यार, इतने टाइम के बाद बना रहे हो व्लॉग, बोल रही है, इतना शर्माता है यार ये बंदा, क्या बंदा है। सो बस हम क्लोज करने लगे। घर में आते ही सबसे पहले जो कपड़े वॉश कर रहे हैं उसको उठा लेते हैं, और इसको वॉश कर आई थिंक 3-4 दिन हो गया, सूख नहीं रहा, और ये मेरे टाल इनको वॉश कर रहे भी बहुत टाइम हो गया, सूखते नहीं, और ये मेरा हैंड टाल इसको सूखे हुए भी मतलब सूखा नहीं है, और ये मेरे शूज़ मैं कब आई थी, बहुत दिन पहले आई थी, ये भी नहीं सूखे, बट मैं अंदर रख लेती हूँ, और मैं अपना रूम आप लोगों को नहीं दिखा सकती बिकॉज बहुत मैसी है, मेरा बीबी हेलो माय बू बेचारा। अब घर पे आते सबसे फिर नेक्स्ट काम रहता है टोपी जैकेट, इतना कपड़े सबसे गंदी लगते हैं मुझे विंटर्स का, सबसे सिर्फ विंटर में मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि नींद अच्छी आती है, आप अच्छे से सो सकते हो, वो तो समर में भी सो सकते हो, पर विंटर में थोड़ा रहता है ना। हाँ कितनी हल्की हो गई मैं कसम से, ऐसे लगता पता नहीं क्या ही पहना था मैंने। अभी मैं नहाऊंगी, सफाई करूंगी, फिर खाना खाऊंगी। यस, सो आजकल थोड़ा मेरा रूम गंदा हो रखा है, मतलब इतना गंदा नहीं पर अजीब सा हो रखा है आजकल रूम ना, तो अब मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती बाद में। सो गाइज रात के बज गए हैं 11:30 और मैंने सोचा था कि मैं सुबह सफाई करूंगी, बट फिर मैंने सोचा कि चलो कल थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, तो मैंने अभी झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया है एंड मेरा डिनर तो रेडी है ऑलरेडी, और इसके बाद मैं सुबह के लिए वेजिटेबल वगैरह कट करके रख दूँगी एंड पहले मैं खाना खा लेती हूँ जो बहुत भूख लगी है, एंड सफाई करके बहुत अच्छा लग रहा है साफ साफ। सो माय डिनर इज़ मटर पनीर राइस एंड हरी मिर्च जो कि मैंने सुबह बनाया था, सो खाती हूँ मैं फटाफट, और मेरा रूम अभी बिल्कुल क्लीन है, और वो आप सामने देख रहे हैं ये जो हम भारतीय होते हैं उनके जुगाड़ होते हैं, सारे टाल बार सूख नहीं रहे थे क्योंकि आजकल फॉग होती तो फॉग में जो है सारे गीले हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रखे हैं, और मेरा रूम बहुत साफ हो गया है ये। और मैं खाती हूँ खाना, फिर मिलूँगी आपसे बाद में। तो रात के बजने वाले हैं 12, मैंने सारे अपने काम कर लिए हैं और मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, सो अब मुझे रेस्ट करना है, उसका फ़ोन को स्क्रॉल करूँगी, फनी वीडियोस देखूँगी और ढेर सारा हंसूँगी, फिर मैं सो जाऊँगी। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पेंड करती हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, बाय।